माता ज्वाला जी के परम भगत द्यानु भगत पर अवा देवी के रहने वाले जगदीश ने माँ द्यानु तेरा हार जाएगा एल्बम हमीरपुर में रिलीज की। वही काफी समय से गाने गाते आ रहे हैं और अभी तक जगदीश द्वारा 14 एल्बमें रिलीज की जा चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद भी किया है। माता ज्वाला जी के परम भक्त द्यानु भगत पर वह देवी के रहने वाले जगदीश ने माँ द्यानु तेरा हार जाएगा एल्बम हमीरपुर में रिलीज की। वे काफी समय से गाने गाते आ रहे हैं और अभी तक जगदीश द्वारा 14 एल्बमें रिलीज की जा चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया है। वहीं यूट्यूब पर इन धार्मिक गानों के काफी पसंद किया जा रहा है, जिसके चलते ही यूट्यूब पर 40 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक जगदीश के गानों को देखा है और 45,000 फॉलोवर बन गए हैं। वहीं कोट पंचायत के प्रधान यश पठानिया ने बताया कि अवा देवी के रहने वाले जगदीश ने माँ द्यानु तेरा हार जाएगा एल्बम को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि जगदीश पहले कई गानों के एल्बम को रिलीज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर इनके लगभग 40 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं और 45,000 फॉलोवर हैं। पठानिया ने जगदीश को अपनी संस्कृति को उभारने के लिए और आने वाले विषय के लिए शुभकामनाएं दी। आज की जो कैसेट आपके शहर हमीरपुर में हम लॉन्च करने के लिए धर्मपुर से यहाँ पहुंचे हैं, इस कैसेट का विमोचन हमने हमीरपुर में इसलिए किया क्योंकि ये जो कैसेट हमारे जो उभरते हुए कलाकार हैं देश प्रदेश में, भाई जगदीश सोनवाल जी की ये 15वीं कैसेट है और जो ये वाली कैसेट था ये माता ज्वाला जी के ऊपर इन्होंने बनाई है, तो इसी के लिए उपलक्ष में आज हमीरपुर होटल में आपके समक्ष आए, इस कैसेट को लॉन्च करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे पहले भाई जगदीश सोनवाल ने अपनी 14-15 कैसेटें निकाली हैं, जिनका आज तक लगभग देश और प्रदेश में 40 लाख व्यूअर्स उन कैसेटों को देख चुके हैं और इनके अब तक 45,000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। तो हम तो भाई जगदीश सोनवाल जी को से यही चाहते हैं कि ये भविष्य में और आगे जाएं और देश प्रदेश की संस्कृति और यहाँ की जो हमारी संस्कृति है उसको उभारते जाएं और जो हमारे यहाँ के धार्मिक स्थान हैं उनके ऊपर जो पुरानी धरोहर है, पुरानी संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने में जगदीश सोनवाल जी योगदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको अपनी तरफ से और सभी यहाँ पर उपस्थित प्रधान ग्राम पंचायत अनु अपने भाई प्राशर जी की तरफ से इनको हार्दिक हार्दिक की शुभकामनाएं देते हैं। भीटीरा के गायक जगदीश ने बताया कि जो उन्होंने माँ द्यानु तेरा हार जाएगा एल्बम बनाई है वह सत्य घटना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जब अकबर का राज था तो उस समय द्यानु भगत माँ ज्वाला के दर्शन के लिए जा रहे थे, तब अकबर ने द्यानु भगत के घोड़े का शीश कटवा दिया था और कहा कि अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो माँ ज्वाला तेरी अरदास जरूर सुनेगी। इसी घटना को लेकर यह गाना लिखा गया। उन्होंने कहा कि वह गाना खुद लिखते और गाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने 15 गाने लॉन्च किए हैं और 10 ऑडियो रिलीज करने को और हैं, जिन्हें भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। पहले तो सभी को जय माता दी। ये जो ज्वाला माता की मैंने भेंट बनाई है ये सत्य घटना पर आधारित है। वो अकबर और ध्यानु की आपस में कोई विवाद हुआ था जब अकबर का राज था, उस वक्त ये ध्यानु भक्त जी वहाँ माता ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहे थे और उन्होंने आदेश करके घोड़े का शीश कटवा दिया था और उसको बोला कि तेरी माता सच्ची है तो वहाँ जा करके माता से अरदास करो और लग जाएगा सिर, तो मैं मान लूंगा। इसी के धारित मैंने ये गाना अपने संस्कृति के ऊपर लिखा है। अच्छा, इसके लेखक भी मैं खुद लिखा है सर और मैंने खुद भी गाया है इसको। अभी तक कितने गाने अभी तक लॉन्च कर चुके हैं या भेंट हैं जो भी हैं आप? सर मैं 15वीं कैसेट है मेरी, इसमें इसके बाद मेरे पास 10 ऑडियो और पड़े हुए हैं जो अभी मैंने लॉन्च करने हैं और अभी लेटेस्ट मेरी बाबा बालकनाथ जी के ऊपर आने वाली है और माता नैना देवी के ऊपर मैंने बनाई है, वो भी इसी नवरात्रों में मेरी आने वाली है।